Hello friends, welcome to my travel diary. Today is our fifth day in Rome and we are leaving for Venice, the city of canals. Venice jane ke liye hum subah 7 baje pahunch gaye the Rome station. Yahan se train, kyunki humne ek normal speed train li thi jo hume cost ki 38 euros per person, lekin ye hume Venice pahunchane mein time liya isne kareeb 4.5 घंटे. यदि हमने हाई स्पीड ट्रेन ली होती तो उसका किराया तो होता करीब 92 यूरोस, लेकिन वो हमें 1.5 घंटे में ही पहुंचा देती. हम पहुंच गए हैं वेनिस. वेनिस का स्टेशन एक बहुत ही ऑर्डिनरी नॉर्मल लुकिंग स्मॉल स्टेशन की तरह है, लेकिन जैसे ही आप स्टेशन से स्टेप आउट करते हैं तो आपके लिए एक यूनिक व्यू दिखता है. स्टेशन के बाहर पहुंचते ही ग्रैंड कैनाल शुरू हो जाती है. स्टेशन के बाहर आपको कोई रोड नहीं दिखाई देती और ना ही कोई व्हीकल्स दिखाई देते हैं. द ओनली व्हीकल मोड इज बोट. स्टेशन से हमने ली स्पीड बोट जो कि हमें हमारे होटल तक ले जाएगी. रास्ते में आप देख रहे हैं कैनाल्स के चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं और वेनिस एक फ्लोटिंग सिटी है जिसमें एक ग्रैंड कैनाल है और करीब 177 स्मॉल कैनाल्स हैं जो कि वेनिस की स्ट्रीट्स बनाती हैं. इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि वेनिस की बिल्डिंग्स जो हैं उनकी नींव पानी में ही होती है और उनके एड्रेसेस स्ट्रीट्स के नाम के हिसाब से नहीं होते बल्कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होते हैं. सो समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट ए पर्टिकुलर एड्रेस. करीब 15 मिनट स्पीड बोट राइड से हम पहुँचे अपने होटल. ये एक 4-स्टार होटल है, प्रेटी डिसेंट. और वेनिस में ऑन एन एवरेज एक 4-स्टार होटल आपको कॉस्ट करता है करीब करीब 80 यूरोस पर डे फॉर ए कपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट. और फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं वेनिस की सबसे इम्पॉर्टेंट आइकॉनिक गोंडोला राइड के लिए. वो कहते हैं कि अगर आप वेनिस आए और आपने गोंडोला राइड नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया. गोंडोला यहाँ की वेल डेकोरेटेड वेल मेंटेन्ड वेनेशियन बोट्स हैं जिन्हें चलाने वाले लोगों को गोंडोलियर्स कहा जाता है. और ये अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस जिसमें कि हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट्स और ब्लैक पैंट्स होती हैं उन्हें पहनते हैं. और पूरे वेनिस में करीब करीब 415 गोंडोलाज हैं और करीब करीब 530 गोंडोलियर्स हैं. गोंडोला राइड के लिए इन लोगों को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है. दे हैव टू गो थ्रू अ ट्रेनिंग और इनका बिहेव करने का स्टाइल भी इन्हें सिखाया जाता है. और गोंडोला राइड के दौरान अगर आप चाहें तो ये आपको ट्रेडिशनल इटालियन सॉन्ग्स भी सुना सकते हैं. गोंडोला राइड हालांकि काफ़ी महंगी पड़ती है. दे कैन चार्ज एनीवे बिटवीन 80 यूरोस टू 140 यूरोस फॉर ए 45 मिनट राइड. महंगी होने के बावजूद गोंडोला राइड इज वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन इट. और गोंडोला से हमने वेनिस के कई लेन्स और बाई लेन्स ट्रेवर्स किए और अब हम पास हो रहे हैं वेनिस के आइकॉनिक रियाल्टो ब्रिज से. ये ब्रिज पहली बार 11th सेंचुरी में बना था, लेकिन उसके बाद एक बार तो द ग्रेट फायर ऑफ वेनिस में और उसके बाद भी कई बार ये टूट चुका है, लेकिन हर बार इसे उसी शेप में रीबिल्ड किया जाता है. और ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है वेनिस का. सेंट मार्क्स स्क्वायर का सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है कैंपेनाइल डी सैन मार्को. ये एक्चुअली एक बेल टावर है जो फर्स्ट टाइम 10th सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन बीच में जब फेमस फायर ऑफ वेनिस हुई तो उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया था और फिर इसे 1500s में दोबारा से रीबिल्ड किया गया. वेनिस आने वाले सभी कैप्टन्स बोट कैप्टन्स के लिए ये बहुत दूर से दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता था जिसे वो वेनिस के लिए एक लैंडमार्क की तरह यूज करते थे. And this is St. Mark's Basilica. This is the most epic church in Venice. ये स्थित है सैन मार्को स्क्वायर के हार्ट में
और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही इम्प्रेसिव है। मार्बल स्टेयरकेस, इनक्रेडिबल डिटेल्स, ऑपुलेंट रेनेसा स्टाइल गोल्ड मोजैक एंड स्टनिंग मार्बल स्ट्रक्चर्स आर ट्रेडमार्क्स ऑफ दिस बिल्डिंग। बिल्डिंग के फ्रंट में आप देख सकते हैं सेंट मार्क्स का ट्रेडमार्क सेवन होर्सेस ऑफ स्टेनमार्क। आप नोटिस कर सकते हैं हॉर्सेज ऑफ सेंट मार्क। दे वर स्टोलन बाय नेपोलियन बट देन दे वर रिटर्न्ड इन 1815 एंड दे वर रीपोजिशनड एट दिस सेंट मार्क्स बेसिलिका। दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट डे इन वेनिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। टुमारो वी विल बी गोइंग टू मोरानो एंड बुरानो आइलैंड्स। थैंक्स व्यूअर्स।